अस्सलाम वालेकुम। आज हम पैकेट वाले मसाले की नहारी बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमने ये सब, ये देखिए हमने ये वाला पैकेट लिया, चाने दिल्ली का, 1 किलो का पैकेट है ये, 1 किलो गोश्त का। और हमने यहाँ पे 1 किलो गोश्त लिया है नहारी का। बड़ी बड़ी बोटियां आप देख सकते हैं, नहारी की ऐसी होती है बड़ी बोटी और इसी के रेशे बनते हैं। और उसके लिए हमने 250 ग्राम घी लिया है, 1 टमाटर लिया हमने और ये महीन छिलका उतार के हमने ये महीन काट लिया है, छिलका हटा दिया बिल्कुल। और 50 ग्राम ये चने का आटा लिया हमने, जो भुने हुए चने आते हैं वो ही पिसा हुआ उसी का ही आटा लिया है। और 50 ग्राम के करीब दही है और ये 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 250 ग्राम प्याज है, हमने ये स्लाइस में काट लिया, आप देखिए काट लिया। और ये अदरक और हरी मिर्च है, हरा धनिया, ये तीनों चीज़ें जब नहारी पक जाएगी तो ऊपर से डाल के खाने के लिए, और नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और ये दिखाते हैं, ये डालेंगे कुकर में, कुकर हमने गर्म करने रख दिया था। देखिए हमारा घी गर्म हो गया, हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हम गोल्डन ब्राउन करके बाहर निकाल लेंगे, गोल्डन ब्राउन करने में तो 10 मिनट लगेंगे। देखिए प्याज थोड़ी नरम होने लगी, वैसे गोल्डन बिल्कुल कोरमे की तरह प्याज को करना है हमें, जैसे कोरमे की होती है। बस ये ध्यान रखें ज्यादा डार्क कलर ना हो, नहीं तो नहारी का कलर अच्छा नहीं आएगा। हमने और भी तरह की नहारी डाल रखी है, घर के मसाले की भी और घर के हमने पीस के मसाला भी दिखा रखा है, नहारी का अपने चैनल पे हमने डाल रखा है। बच्चे आप घर के मसालों की नहारी पकाएं तो आप देख सकते हैं। देखिए प्याज हमारी गोल्डन हो गई है और हमने चूल्हा बंद कर दिया अपना, और हम इसे सबको बाहर निकाल देंगे प्याज को। ये देखिए हमने सब प्याज निकाल लिए घी में से, और घी में प्याज बिल्कुल भी ना छोड़े नहीं तो वो मुंह में आते ही प्याज। देखिए हमारा घी गर्म ही है, अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। के साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया इसमें। इसे 1 से 2 मिनट ऐसे भूनेंगे इसी में, 1 से 2 मिनट होगा हमें इसे भूनते, ये फंस गया। अब हम इसमें ये जो पैकेट है मसाले का ये डालेंगे, ये पूरा ही जाएगा इसमें, ये 1 किलो का पैकेट है, ये हमने पूरा पैकेट डाल दिया इसमें। और आपको जरूरत हो और भी मसालों के आते हैं पैकेट, आप अगर जो घर के मसालों के ना बनाए तो पैकेट के आप ऐसे ही बना सकते हैं। नलियों की वजह से चम्मच दिक्कत में चलता है इसे, इसमें नलियाँ भी हैं, नहारी में नली अच्छी लगती है। मिक्स करके दिखाते हैं हम आपको, ये सब मिक्स कर दिया हमने, आप देख सकते हैं। ये 1 मिनट ऐसे भूनेंगे इसे तब वो सारा घी ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसको गलने के लिए रखेंगे पानी डाल के। इसमें हम टमाटर भी डाल देते हैं,
आपका दिल करे तो आप पूरी दही ले सकते हैं या टमाटर ले सकते हैं, दही छोड़ सकते हैं, एक चीज कुछ भी ले सकते हैं। नमक भी डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा हाथ रोक के डालें क्योंकि नहारी तो भुनी हुई होती है बिल्कुल। देखिए हमारे सब मसाला और तेल छोड़ दिया, घी ऊपर आ गया सारा। देखिए हमारा सारा घी ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें गलने के लायक पानी डाल के गलने के लिए रखेंगे। बीस से पच्चीस मिनट लगेंगे इसे गलने में, उसी के हिसाब से पानी डालिएगा। नहारी का गोश्त बिल्कुल गला हुआ होता है। अब देखिए हमने तीन गिलास के करीब पानी डाल दिया। आधा गिलास पानी और डालेंगे हम इसमें, थोड़ा तेज आंच पे हम इसे गलाएंगे, फिर धीरे मध्यम कर देंगे, आंच को हल्की कर देंगे। अब हम इसे बंद करके 20 से 25 मिनट गलाएंगे इसे, और फिर हल्की आंच पे छोड़ देंगे ऐसे, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारी नहारी हो गई है, इससे आधे से पौन घंटा हो गया पकते हुए, हमने ऐसे भाप में ही छोड़ दिया था इसे। अब देख सकते हैं सारा रोगन ऊपर आ गया ये, और अब हम इसमें से रोगन निकाल लेंगे, फिर बाद में डालेंगे। देखा ताकि हम जब आटे का और दही का वो डालेंगे इसमें गोल, तो रोगन जो है उड़ जाएगा सारा, फिर बहुत देर में आएगा, इसलिए ऊपर से आप ये निकाल लीजिए। और फिर बाहर देखिए आप नहारी वाले बनाते हैं नहारी, वो भी ऐसे ही निकालते हैं ऊपर से रोगन। ये देखिए हमने सारा रोगन निकाल लिया इसका कटोरी में भर के, इसमें थोड़ा सा छोड़ दिया ये देख सकते हैं। और ये देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया, यूं ही टूट रहा है ये चम्मच से, ये देखिए आप देख सकते हैं ये। अब हम इसमें से ये नली भी निकाल लेंगे, सारा गूदा निकल गया बाहर सब, ये खाली है बिल्कुल खाली हो गया, निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने रोगन निकाल लिया, आप देख सकते हैं ये ऐसा हो गया रोगन निकाल के, और जो हमने नलिया डाली थी वो भी इसी में ही निकल गई है, वो चौड़े मुंह की थी थोड़ी, गलने में ही निकल गई है, आप देख सकते हैं ये गुदा ऐसी निकल के आ रहा है बाहर सब। देखिए हम इसमें एक गिलास पानी डाल देते हैं ताकि हमें इसका हलवा भी लगाना है आटे का। ये देखिए हमने एक गिलास पानी डाल दिया था इसमें, इसने खोलाएगी थोड़ा सा और डलेगा अभी पानी, तो हम इसे हल्की आंच पे ऐसे छोड़ देते हैं। देखिए आधा गिलास और डाल दिया हमने पानी इसमें, इतना ये इसमें खोलाएगी, इतने हम दही मिला लेते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि आराम से मिल जाए सब चीज, प्याज भी इसमें मिलाएंगे हम दही में। पानी डालिए अभी नहारी में, ये हमने सारी हाथ से ही क्रश कर लिए ये मोटे मोटे ऐसे, और ये हल्के आंच पे घुल जाएगी सब, ये उसमें करके डालेंगे तो वो नहारी का मजा नहीं रहेगा, लई सी बन जाएगी नहारी बिल्कुल, इसलिए हाथ से ही हमने मसल ली थी ये। डालेंगे अभी हमने चने का जो आटा लिया था ये भी इसी में मिक्स कर देंगे, इन्हीं दोनों चीजों की वजह से नहारी का रोगन गायब हो जाता है बिल्कुल सब। अब हम इसे भी इसमें डाल के मिक्स करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए हमने चने का आटा इसमें मिक्स कर दिया, हम जरा सा नमक भी डालेंगे इसमें आधा चम्मच के करीब, थोड़ा सा नहारी में फीका है इसलिए साथ में डाल देंगे हम,
और नहारी में डायरेक्टली मत डालिएगा प्याज और ये, नहीं तो उसके वो बन जाती हैं गुटरिया गुटरिया सी हो जाती हैं, उसमें लम्स बने रहते हैं, इसलिए अलग से ही घोल के थोड़े से दही में और पानी में जब भी डालें। देखिए हमने सब मिक्स कर दिया, अब इसको हम उसमें नहारी में डालेंगे। हमारी नहारी में घोल भी आ गई है, अब हम इसे धीरे धीरे चलाते हुए चम्मच चलाते हुए इसमें डालेंगे। देखिए हमने आटे का और है ना प्याज का और दही का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर, अब हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे थोड़े मीडियम आंच पे, जब तक ये सब चीजें इसमें मिक्स हो जाएंगी और ये गाढ़ा भी हो जाएगा। अभी देखिए आप ये पतला है, हल्की आंच पे ये प्याज भी मिक्स हो जाएगी इसमें और ये आटा जो था हमारा ये भी पक जाएगा, दही भी पक जाएगा। फिर दिखाते हैं आपको, ये ऐसे ऊपर से ढक के पकाना है, यूं ही ढक्कन लगाना नहीं है, सीटी नहीं देनी है, बस ऐसे छोड़ना है दम पे। ये देखिए हमारी नहारी तैयार है, बिल्कुल देख सकते हैं ये खूब अच्छे से पक गई है, और इसमें जो हमने आटा और दही का आलन लगाया था वो भी देख सकते हैं आप, सब मिक्स हो गया बिल्कुल। प्याज भी देखिए सब घुल गई है और गोश्त भी कुछ घुट गया है, आप देख सकते हैं रेशे रेशे हो रहे हैं इसमें। ये देखिए कुछ साबुत है, अगर आपका दिल करे तो आप सारे घोट लें, नहीं तो कुछ साबुत रहने दें, कुछ रेशे ऐसे कर लें घोट के। हमारा ये हमने घोटा नहीं है, अपने आप ही हमने इतना गलाया कि ये देखिए बिल्कुल घुटने लगा है, आप देख सकते हैं आराम से यूं ही टूट रहा है, ये सारे रेशे यूं ही बन रहे हैं इसके, आप आराम से देख सकते हैं। ये देखिए यूं ही आराम से गोश्त बिल्कुल बहुत ही मक्खन की तरह बिल्कुल हो रही है हमारे नहारी का गोश्त, और ऐसे ही अच्छा लगता है। डिश में निकाल के दिखाते हैं, देखिए हमारी नहारी बिल्कुल तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से, किचन में हमारे खुशबू महक रही है। हमारी यहाँ ऐसी बोटी कुछ घुटावा ऐसी खाते हैं नहारी, इसलिए हमने सारा घोटा नहीं है, आप क्या घुटावा खाते हो तो आप घोट सकते हैं आराम से। देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह, वैसे भी यूं इशारे में टूट रही है वो। देखिए हमारी नहारी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए हमने जो रोगाना लग रखा था उतार के वो हम अब डालेंगे ऊपर से। ये देखिए नहारी का अब इसका कितनी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं आराम से, और ये आप बाजार में भी जाते होंगे लेने तो आप भी देखते होंगे ये रोगन अलग ही रखते हैं, इसीलिए कि रोगन उड़ जाता है बार बार गर्म करने में, ये बार बार चम्मच से निकालने में रोगन उड़ जाता है, इसीलिए अलग रखते हैं रोगन को, नहारी में जल्दी गायब हो जाता है रोगन। देखिए मिर्चे हल्की तेज अपने हिसाब से कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। देखिए हमारी नहारी तैयार है बिल्कुल, हमारी नहारी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो नई वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। और हम ऐसी नई नई डिशें आप आसान बिल्कुल बनाने की, घर की चीजों से बनाने की सारी डिशें आपको ऐसी दिखाते रहेंगे नई नई, आप जरूर हमारे तरीके से बना के जरूर देखिए, बहुत अच्छे लगेगी अगर आप हमारे तरीके से बनाएंगे तो।
अगर चाहे आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, नहारी अच्छी लगी हो, तो आज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।